स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, प्रफुल्ल चाकी, जगदीश चंद्र बोस की धरती की ओर से हम पूज्य स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उस धरती की ओर से हम पूज्य स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करते हैं जहां से वंदे मातरम का अंकुर फूटा। उस धरती की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं जिस वंदे मातरम को गा गा कर, गुनगुना कर, जिस वंदे मातरम के नारे लगा लगा कर खुदीराम बोस से लेकर 1947 तक 7,32,000 नौजवानों ने, 7,32,000 शहीदों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, हंसते हंसते अपने सीने पर गोलियां खाई। उस धरती की ओर से जहां मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई, उस धरती की ओर से 1757 के बाद सन्यासियों ने सबसे पहले जहां पर विद्रोह किया, सबसे पहले अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी, पूज्य स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करते हैं। पतंजलि योगपीठ, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट और कृपालु देव आश्रम, इन तीनों की अगर बात की जाए और बंगाल की बात की जाए तो बंगाल और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में आज से 100 साल पुराना नाता है। हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज और रास बिहारी बोस दोनों आपस में अंतरंग मित्र थे और रास बिहारी बोस का स्थान कितना बड़ा है, उनको क्रांतिकारियों का पितामह कहा जाता है, उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने क्रांतिकारियों की फौज तैयार की। 1857 के बाद जब एक बार 50 साल तक ऐसा लगा कि कोई बड़ी सशस्त्र क्रांति नहीं हो रही है, बड़ा कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, तो रास बिहारी बोस ने 1910 में उस समय यह योजना बनाई थी कि अब 1857 की जैसी दोबारा क्रांति करनी है और अब की बार जो क्रांति हो उस वो क्रांति 1857 की तरह अपूर्ण ना रहे, अधूरी ना रहे, संपूर्ण क्रांति करनी है, ऐसे रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस 1908 से लेकर 1915 तक भारत के अलग अलग हिस्सों में रहे और उस दौरान वो देहरादून के वन विभाग में भी रहे, वहां पर नौकरी करते हुए वो पूज्य हमारे दादा गुरु कृपालु देव महाराज के लगातार संपर्क में थे। जब दिल्ली में वायसराय के ऊपर बम फेंका गया और उसके बाद जब पुलिस क्रांतिकारियों के पीछे पड़ी थी, अंग्रेज उनको ढूंढ रहे थे, जिस समय क्रांतिकारियों से, पुलिस से डरकर क्रांतिकारियों को कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं था, कोई उनके साथ बातचीत करने के लिए, संबंध रखने के लिए तैयार नहीं था, उस समय आपका पतंजलि योगपीठ, आपका दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, आपका कृपालु देव आश्रम एक ऐसा आश्रम था जिसने क्रांतिकारियों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और उनका पूर्ण सहयोग किया। और मुझे लगता है पूज्य दादा गुरु कृपालु देव महाराज जी के विचारों के संवाहक के रूप में पूज्य स्वामी जी महाराज यहां पर हैं और रास बिहारी बोस स्वामी विवेकानंद के विचारों के संवाहक के रूप में आप यहां पर हैं, तो ये दोनों मिलन उस 100 साल पुरानी विचारधारा का मिलन है कि वो क्रांति जो 100 साल पहले अधूरी रह गई थी उसको अब पूरा करना है। अपने पश्चिमी बंगाल की बात की जाए और पश्चिमी बंगाल के शेर की बात ना की जाए तो बातचीत अधूरी रहती है। वो व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व को पूरी दुनिया एक मत, बिना किसी वाद विवाद के महान सेनापति के रूप में मानती थी, वीर सैनिक के रूप में मानती थी, राष्ट्रनीति के विद्वान के रूप में मानती थी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मानती थी जो एक बार कदम उठा ले तो जो पीछे नहीं हटाता, ऐसे व्यक्ति के बारे में मानती थी जो एक बार सोच ले तो फिर उसको करके ही ठानता है, ऐसे महान सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान कितना है, एक छोटी सी घटना से यह स्पष्ट हो जाएगा। भारत को जब 1947 में आजादी मिली, उस समय इंग्लैंड के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मिस्टर एटली। 1945 से 1951 तक वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 1956 में वो एक बार भारत घूमने के लिए आए और जब वो भारत घूमने के लिए आए तो पश्चिमी बंगाल में आए। पश्चिमी बंगाल में उस समय पश्चिमी बंगाल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी बी चक्रवर्ती कार्यवाहक राज्यपाल होते थे। उनके राज्यपाल के आवास में वो ठहरे।
राज्यपाल महोदय ने, चक्रवर्ती महोदय ने उनसे बहुत सी लंबी बातचीत की, अलग अलग विषयों के ऊपर बातचीत की जो अलग अलग पुस्तकों में लिखी गई है। छोटी सी जो उन्होंने बात की वो नेताजी के बड़े व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए काफी है। चक्रवर्ती जी ने एटली से पूछा कि 1947 में आपने भारत को आजाद क्यों किया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, उसको आपने कुचल दिया था, उसको दबा दिया था, महात्मा गांधी का वह आंदोलन मुरझा चुका था, 1945 में विश्व युद्ध में विजय आपने प्राप्त कर ली थी, विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने, अमेरिका ने और आपके मित्र देशों ने पूरी विजय प्राप्त की थी, और अब तो आपके पास परमाणु बम जैसे हथियार हैं। आपने जो भारत में निर्माण किया है, संसद का निर्माण किया है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है, जितनी भी इमारतें आपने बनाई हैं, आज अंग्रेजों को गए हुए 65 साल हो चुके हैं, आप देखते हैं कि उनकी सारी इमारतें बहुत मजबूत बनी हुई हैं, उनके डाक बंगले, उनके रेस्ट हाउस, उनके गेस्ट हाउस, उनके क्लब सब बहुत मजबूत बने हुए हैं, उनकी रेल की पटरियां वो भी इतनी मजबूत हैं कि 65 सालों बाद चल रही हैं और आगे 100 साल तक चलती रहेंगी। इसका मतलब यह है कि अंग्रेज 1947 में या अंग्रेज 1947 से पहले बहुत जल्दी भारत से जाने के लिए नहीं आए थे। उनकी योजना ये थी कि वो भारत को 100, 200, 500, 1000, 2000 सालों तक लूटते रहेंगे और लगातार अपना नौकर, अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। तो जब चक्रवर्ती जी ने ये पूछा तो एटली ने जो उत्तर दिया वो सबके याद रखने योग्य है। एटली ने कहा कि भारत को आजाद करने के वैसे तो कई कारण थे, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। जब चक्रवर्ती जी ने पूछा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो आपने 1933 में देश निकाला दे दिया था, उसके बाद वो तो 1941 में देश छोड़कर चले गए थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी भी 1945 के अगस्त तक उसको गिरफ्तार कर लिया था, उसको कुचल दिया गया था, उसको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, तो फिर नेताजी इसका कारण कैसे हुए? तो मिस्टर एटली बताते हैं, वो कहते हैं कि नेताजी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया, हम भारत के ऊपर राज करते थे भारतीय सैनिकों की बदौलत। भारतीय सैनिक ब्रिटिश राजमुकुट में श्रद्धा रखते थे और हमारे आदेशानुसार चलते थे। हमारे ब्रिटेन के सैनिक कभी भी भारत में 85,000 से अधिक नहीं रहे। जो 10-12 लाख की सेना थी वो सारी भारतीय सेना थी। नेताजी ने जब आजाद हिंद फौज बनाई तो उन भारतीय सैनिकों की श्रद्धा ब्रिटेन के राजमुकुट में नहीं रही, ब्रिटेन की राजसत्ता में नहीं रही, ये एक बड़ा कारण है। एटली ने आगे बताया कि जैसे ही आजाद हिंद फौज ने भारत के रास्ते से, बर्मा के रास्ते से, नागालैंड, मणिपुर के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया और नेताजी ने जब चलो दिल्ली का नारा दिया, तो उस समय भारत के अंदर जितने सैनिक थे भारत की नौसेना ने विद्रोह कर दिया। कराची, रंगून, मद्रास, तमिलनाडु सब जगह नौसेना ने अपने हथियार डाल दिए और बंदूकों का मुंह अंग्रेजों की साइड कर दिया। हर जगह नौसेना के सारे जहाजों के ऊपर नेताजी का चित्र लगा दिया और जय हिंद के नारे लिख दिए और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लिख दिए। तो एटली ने बताया कि भारत में ब्रिटेन के राज की सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी थी वो भारतीय सैनिक थे, नेताजी ने हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। और आजाद हिंद फौज के संघर्ष के बाद पूरा देश ऐसे जलने लगा जैसे ज्वालामुखी जल रहा है, और हमें ऐसा लगा कि हम ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं। अगर हमने जल्दी से भारत को नहीं छोड़ा, भारत को आजादी नहीं दी, तो ये सब हमें जलाकर राख कर देंगे। एक छोटा सा प्रसंग मैं और बताता हूं, नेताजी कितने बड़े नेता थे। आप सबको पता है नेताजी ने 1942 में हिटलर से जाकर मुलाकात की, जर्मनी में वो गए। 16 जनवरी 1941 को वो भारत को छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते, रूस के रास्ते जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। जब उनकी हिटलर से मुलाकात हुई तो वो कितने बड़े स्वाभिमानी थे इस बात का प्रमाण देखिए। हिटलर जिससे सारी दुनिया कांपती थी, उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी माइन काफ के नाम से, उसमें भारत के बारे में और भारत के लोगों के बारे में कुछ गलत धारणाएं, गलत टिप्पणी लिखी हुई थी। नेताजी ने बड़ी निर्भीकता के साथ हिटलर के सामने वो मामला उठाया और उससे कहा कि भारत के बारे में जो आप सोचते हो वो भारत नहीं है, आप अगले संस्करण में इसकी सारी त्रुटियों को ठीक करें।
ऐसा कहने की हिटलर के सामने, एक दूसरे देश के सामने, एक गुलाम देश का नागरिक अगर ऐसा कहता है तो यह बहुत बड़ी बात है। और हिटलर ने नेताजी को क्या कहा? जर्मनी का एक शब्द है फ्यूरर, फ्यूरर का अर्थ होता है नेताओं का नेता। जर्मनी में हिटलर को फ्यूरर कहा जाता है। हिटलर ने खुद नेताजी को भारत का फ्यूरर कहा, फ्यूरर ऑफ इंडिया कहा, माना भारत के नेताओं का नेता। ये जो आज की कांग्रेस है, 1938 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और 1938 में जब नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने उसी समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू होना प्रारंभ हो गया था, 1939 से शुरू हुआ। तो नेताजी का एक आग्रह था सारे नेताओं से, महात्मा गांधी जी से, जवाहरलाल नेहरू जी से, सरदार पटेल से और दूसरे कांग्रेस के नेताओं से, वो ये चाहते थे कि 1939 आगे जो विश्व युद्ध होने वाला है उसमें हम अंग्रेजों के ऊपर पूरी ताकत के साथ प्रहार करें। गांधी जी ये कहते थे कि दुश्मन जब कमजोर हो उस समय उनके ऊपर प्रहार करना ठीक नहीं है, नैतिकता नहीं है। नेताजी ये सोचते थे कि कैसे भी हो हमें अपनी आजादी लेनी है, और आजादी कभी भी अहिंसात्मक तरीके से नहीं मिल सकती, आजादी के लिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी, आजादी के लिए तो बलिदान देना पड़ेगा। तो 1938 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1939 में महात्मा गांधी ने नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया, कांग्रेस में पहली बार चुनाव हुए। गांधी जी ने अपने उम्मीदवार के रूप में पट्टा भी सीतारमैया को खड़ा किया और यह कहा कि पट्टा भी सीतारमैया के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मैं खड़ा हूं। दूसरी ओर नेताजी खड़े हुए और कांग्रेस के इतिहास में, देश के इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना हुई, नेताजी 201 वोटों से पट्टा भी सीतारमैया को हराकर विजयी बने। और उसके बाद गांधी जी ने कहा कि पट्टा भी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। और नेताजी भारत को उस समय जो आजाद करवाना चाहते थे, कांग्रेस को नेताजी ने अप्रैल 1939 में छोड़ दिया था। नेताजी के बारे में जब कई बार यह कहा जाता है कि नेताजी का बलिदान कितना बड़ा है, गांधी जी और दूसरे नेता जेल में गए हैं, लेकिन नेताजी 11 बार जेल में गए हैं, और जब 11वीं बार उनको कैद किया गया तो 16 जनवरी 1941 को वो अफगानिस्तान रूस के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। आगे जर्मनी पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि जर्मनी से कुछ नहीं हो सकता, तो जापान में रास बिहारी बोस जी पहले से बैठे थे, उन्होंने पहले से आजाद हिंद फौज बना रखी थी, और 21 अक्टूबर को 1943 को नेताजी ने, रास बिहारी बोस जी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। अपने आप में यह बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी, अंग्रेजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाने का सबसे बड़ा काम नेताजी ने यह किया कि भारत की सरकार भारत के बाहर गठित कर दी और सारे अंग्रेजों को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। और सिर्फ सरकार घोषित नहीं की, 9 देशों से उसको मान्यता भी दिलवा दी। ये नेताजी की सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। महात्मा गांधी को यद्यपि दूसरे लोगों ने नेताजी का बहुत तिरस्कार किया, लेकिन नेताजी की महानता देखिए, उन्होंने सदैव सबका सम्मान किया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहले संबोधन 6 जुलाई 1944 को टोक्यो जापान के रेडियो संदेश में नेताजी ने दिया था। रंगून के जुबली हाल में नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और नेताजी ने उस समय दान का आह्वान किया था। जब नेताजी ने दान का आह्वान किया, क्योंकि एक सेना को चलाने के लिए बहुत बड़े धन और संपत्ति की आवश्यकता होती है, तो नेताजी के दान के आह्वान को सुनकर सभा में से, जैसा ये ऑडिटोरियम है उससे थोड़ा बड़ा ऑडिटोरियम वहां पर था, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने अपनी 1 करोड़ रुपए की पूरी संपत्ति नेताजी को दान कर दी। और वो संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति कोई हिंदू नहीं था, वो एक मुस्लिम व्यक्ति था, रंगून का एक मुसलमान था, जिसने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति नेताजी को दान की। जब नेताजी ने उससे पूछा कि तुमने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति के रूप में अपना भूमि, भवन, घर, परिवार सब कुछ दान कर दिया, तो अब तुम क्या करोगे, तो उसने कहा कि मैं खुद आजाद हिंद फौज में भर्ती होऊंगा, मेरी पत्नी और बेटी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में भर्ती होगी, और मेरा छोटा बेटा नेताजी की बाल सेना में काम करेगा। नेताजी जब सभा करते थे तो दान कैसे आता था, इसको आप देख सकते हैं कि नेताजी जब सभा करते थे तो उसके लिए जब वो आह्वान करते थे,
नेताजी की सभा करते थे जब आयोजक उनको माला पहनाते थे, सामान्य गेंदे के फूलों की माला जो उस समय शायद एक पैसे की दो पैसे की आती थी, तो नेताजी उसको नीलाम करते थे कि मेरी ये माला भारत माता के लिए नीलाम की जाती है। तो नेताजी की एक एक माला 35-35 लाख रुपए में नीलाम होती थी, लोग देश की सेवा के लिए दान देते थे। पूरी दुनिया में राजनीतिक तौर पर और एक सेनानायक के रूप में जितनी बड़ी सोच नेताजी की थी उतनी बड़ी सोच और किसी की नहीं थी। 1943-44 में जब पूरी दुनिया में महिलाओं को बहुत बुरी स्थिति में रखा जाता था, महिलाओं को बहुत हिकारत की दृष्टि से देखा जाता था, उस समय नेताजी ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को सम्मान दिया और माताओं बहनों ने भी अपने घर परिवार को छोड़कर नेताजी की आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर देश की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी से एक बार अंग्रेजों का एक ब्रिटिश पत्रकार है उस समय होता था लुई फिशर, जिसका नाम आपने भी सुना होगा, उससे पूछा कि नेताजी के बारे में आप क्या सोचते हैं, नेताजी के गायब होने के बाद पूछा। तो महात्मा गांधी ने उस समय नेताजी के बारे में कहा कि नेताजी तो भारत के देशभक्तों के देशभक्त हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद महात्मा गांधी को यह कहना पड़ा कि आज अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत का विभाजन नहीं होता। नेताजी की सेना में जितने सैनिक हिंदू थे उससे अधिक मुसलमान थे, और जितने हिंदू उनसे प्यार करते थे उतने ही मुसलमान प्यार करते थे। नेताजी जब जर्मनी से जापान गए तो 90 दिन की 3 महीने की उनकी पनडुब्बी की यात्रा थी। उस समय उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में आबिद हसन को रखा था जो उनके निजी सचिव के रूप में काम करता था। नेताजी ने जब अपनी अंतिम उड़ान भरी 18 अगस्त 1945 को तो उनके साथ जो उनके साथी थे वो हबीबुर रहमान थे, वो खुद एक मुसलमान थे। नेताजी की आजाद हिंद फौज में हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर खाना खाते थे, तो हिंदू और मुसलमान नेताजी से बराबर प्यार करते थे। अगर नेताजी जिंदा होते तो भारत का विभाजन नहीं होते, ये महात्मा गांधी ने भी 1947 के बाद महसूस किया। 1945 में जब आजाद हिंद फौज के 30-40 हजार सैनिकों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था तो लाल किले में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, और जब उनके ऊपर लाल किले में मुकदमा चल रहा था तो उस समय आजाद हिंद फौज के 3 मुख्य सेनापति थे, शाहनवाज हुसैन, मेजर पीके सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। तो उस समय जब अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर मुकदमा चलाया तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया। वही जवाहरलाल नेहरू जो एक साल पहले यह कहते थे कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए तो मैं तलवार से लेकर मुकाबला करूंगा, लेकिन नेताजी की आजाद हिंद फौज के साथ जब नेवी ने विद्रोह कर दिया और पूरा देश खड़ा हो गया तो 1945-46 में उन्होंने दोबारा वकालत का चोगा पहन लिया और उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज को मैं बचाऊंगा। तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों की 3 कैटेगरियां बनाई गई, वो लोग जो मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े, 3 कैटेगरियां बनाकर कुछ को जेल में रखा गया, कुछ को छोड़ दिया। 1947 के बाद उनमें से आधे सैनिक पाकिस्तान चले गए और आधे सैनिक भारत के अंदर रहे। पाकिस्तान में जो सैनिक गए उनको पाकिस्तान की सेना में तुरंत नौकरी पर रख लिया गया। दुर्भाग्य की बात यह है, आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, भारत के अंदर जो आजाद हिंद फौज के सैनिक रहे उनको भारत ने यह कहकर मना कर दिया कि इनको हम सेना में नहीं रख सकते, ये तो विद्रोही सैनिक हैं। आज भी इंडिया गेट पर उन सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो अंग्रेजों की सेना में रहते हुए जिन्होंने जलियांवाला कांड किया, जिन्होंने अपने देशभक्तों के ऊपर गोली चलाई, जो अंग्रेजों के लिए युद्ध करते थे, वो आज भी इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिन्होंने भारत माता के लिए युद्ध किया, मणिपुर कोहिमा के बीहड़ों में भारी बरसात में बिना खाने के, बिना पानी के, बिना दवाओं के और बिना हथियारों के युद्ध किया, उनकी कोई भी स्मृति पूरे देश में नहीं है। अब एक अंतिम बात, नेताजी 1943 में जब उन्होंने आजाद हिंद सरकार की घोषणा की तो सरकार नेताजी ने बना ली थी और उस समय नेताजी को पता था कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे देश को आजादी तो 100% मिलेगी, माना देश तो 2-3 साल में आजाद होने वाला है। लेकिन नेताजी की चिंता एक दूसरी थी, वो ये सोचते थे कि देश तो आजाद हो जाएगा लेकिन देश की आजादी के बाद अगर अंग्रेजों की यही व्यवस्थाएं चलती रही तो देश के 33 करोड़ लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो उस समय
भारत की शिक्षा व्यवस्था को, चिकित्सा व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, कृषि व्यवस्था को, सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए 1943 से ही उन्होंने अलग अलग विद्वानों के दल बनाने शुरू कर दिए थे और उनको ऑस्ट्रिया में, बुल्गेरिया में, चेकोस्लाविया में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, हंगरी में, आयरलैंड में, पोलैंड में, रोमानिया में, स्विट्जरलैंड में, तुर्की में, युगोस्लाविया में, अलग अलग देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए भेज दिया था। माना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि 1947 के बाद अंग्रेजों का पूरा तंत्र बदले। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि नेताजी चले गए, वो तंत्र वैसा ही चलता रहा। आज नेताजी के सपने को पूरा करने के लिए उस तंत्र को बदलने की आवश्यकता है, जिसका आह्वान पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, 1943 में नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी आज फिर से दिल्ली चलो का नारा दिया है। नेताजी के उसी सपने को पूरा करने के लिए, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, तो नेताजी को आदर्श मानते हुए और पूज्य स्वामी जी महाराज के अंदर नेताजी के अधूरे सपने को पूरा करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हुए आपको और हमें संकल्प लेना है, अस्त तक हमें विराम नहीं लेना, विश्राम नहीं लेना, लगातार अनवरत संघर्ष करते हुए स्वयं दिल्ली जाएंगे और अपने साथ कम से कम 100 व्यक्तियों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे।